नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर फिर से निशाना साधा है। आपको बता दें, इस चुनाव में एनडीए की 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अब की बार 400 पार भाजपा का मंत्र नहीं है, ये जनता का उद्घोषण है। वहीं धारा 370 समाप्त करके जो काम भाजपा ने किया है, इससे 370 सीट भाजपा और एनडीए को 400 पार ले जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी तो ऐसे कप्तान हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कब क्या करना चाहिए। जब उन्होंने चुनाव की तैयारी करनी चाहिए थी, तब वो यात्रा कर रहे हैं। जब यात्रा करना चाहिए तो विदेश में छुट्टी मनाने जाने लगते हैं। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, ऐसे में तिलमिला जरूर गए होंगे। आपको बता दें, चुनाव हारने के बाद ईवीएम चिल्लाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। कांग्रेस की ऐसी हालत देखकर कांग्रेस के नेता लगातार कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं और एक एक के बाद चुनाव कांग्रेस हारती चली जा रही है। पहले देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दशा इतनी खराब है कि कांग्रेस की सर्वोच्च नेता मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बैकडोर एंट्री हुई उनकी राज्यसभा में। अब जिसके सर्वोच्च नेता का आत्मविश्वास हिल गया हो, उस पार्टी का क्या होगा, यह कल्पना की जा सकती है। 2019 में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और अमेठी से खुद राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे। अभी अगर इतिहास देखें तो एक के बाद एक लगभग 50 चुनाव कांग्रेस ने हारे हैं 2013 के 14 के बाद। कई उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस छोड़ दी और कई जगह उनको चुनाव लड़ने उम्मीदवार नहीं मिल रहे। कांग्रेस ऐसा दल बन गई है कि जिसके पास ना तो अब सेना बची है ना सेनापति। चुनाव लड़ने वालों का टोटा पड़ा हुआ है। जब मैडम चुनाव नहीं लड़ रही तो बाकी नेताओं ने भी, बड़े नेताओं ने हाथ उठा दिए। मैं देख रहा था इतनी बड़ी सूची है कांग्रेस छोड़ने वालों की और कितने राज्यों में कांग्रेस हारी। 2014 से 2020 तक आप कल्पना कीजिए कांग्रेस को क्या हुआ है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले बड़े नेता श्री हेमंत विश्व शर्मा जी जब पूरी कर्मठता से बीजेपी में आने के बाद असम का नेतृत्व कर रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, रंजीत देशमुख जी, जी के वासन जी, जयंती नटराजन जी, पेमा खांडू जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, एन बीरेन सिंह जी, शंकर सिंह बाघेला, नारायण राणे, टाम बड़क्कन, सिंधिया जी, केपी यादव, प्रियंका चतुर्वेदी जी, 21 में ही कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी। श्री पीसी चाको जी, जितिन प्रसाद जी, सुष्मिता देव जी, ललितेश त्रिपाठी जी, लुइजिनो फलेरो जी, पंकज मलिक जी, हरेंद्र मलिक जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, रवि नायक जी, और 2022 में इमरान मसूद, अदिति सिंह, सुप्रिया एरॉन, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, रिपुन बोरा, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, कपिल सिब्बल, कुलदीप बिश्नोई, जयवीर शेरगिल, गुलाम नबी आजाद जी, दिगंबर कामत जी, अभी 23 में अनिल एंटोनी जी, सीआर केसवन जी, और 24 में मिलिंद देवड़ा जी, अशोक चौहान जी, गीता कोड़ा जी, बाबा सिद्दीकी जी, राजेश मिश्रा जी, अमरेश ढेर जी, जगत बहादुर अन्नू जी, चांदमल जैन जी, बसवराज पाटिल जी, नारायण डाठवा जी, पूर्व मुख्यमंत्री जिनने कांग्रेस छोड़ी, किरण कुमार रेड्डी जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, एसएम कृष्णा जी, दिगंबर कामत जी, विजय बहुगुणा जी, पेमा खांडू जी, अशोक चौहान जी, एनडी तिवारी जी, रवि नायक जी, गुलाम नबी जी, अजीत जोगी जी, ल्यूजिनो फ्लेरियो जी, कितने लोग हैं। और 13 के बाद जो चुनाव हारे कांग्रेस ने, 2014 के और 19 के लोकसभा के चुनाव, उसके बाद हिमाचल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये कांग्रेस तैयार है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राहुल जी की तो ये हालत होती कि वो जहां जाते हैं वहां हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब बेचारे अखिलेश जी, तेजस्वी जी, जिनके साथ उनका गठबंधन हुआ, उनको भी साथ में ले डूबे। तो देखा आपने किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा। आपको बताएं 2019 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और अमेठी से खुद राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। अगर इतिहास देखें तो 2014 के बाद एक लगभग 50 चुनाव कांग्रेस हारी है। उसके बाद मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस छोड़ दी, कई जगह उनके पास उम्मीदवार ही नहीं। इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने अटैक किया। आपको बता दें कांग्रेस ने, उन्होंने बोला कि कांग्रेस दल बन गई है जिसके पास ना कोई सेना बची है और ना सेनापति, चुनाव लड़ने वालों का टोटा पड़ा हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि चुनाव अब उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, अब राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं ऐसे में उनकी पार्टी कहीं ना कहीं विनाश की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। फिलहाल जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने उनके लिए बातें कही, क्या वो सही या गलत, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।